साथ यहाँ पे मौजूद हैं हिमाचल की लोकप्रिय गायिका वंदना दीवान जी, हम आज यहाँ पे आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल की खासियत यहाँ के जो PS वर्मा जी, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके क्योंकि बहुत अच्छे उनके विचार हैं, बहुत अच्छा नेचर है। और सबसे बड़ी बात, जो स्कूल के चलाने वाले मेन इंसान हैं वो ही इतने अच्छे हैं, तो इस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे तालियां बजा दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके हम अपने बच्चों को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज एनुअल फंक्शन का कैसा आज का इवेंट है और आगे क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? आज स्कूल का ये बहुत ही बड़ा पर्व है और इसमें इसको सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स बहुत ही भारी मात्रा में आए थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इस फेस्टिवल पे इन सबका बहुत ही मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यापक के साथ अगर पेरेंट्स भी तालमेल बनाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक रहती है, तो एक बहुत अच्छे विद्यार्थी का निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए मैं जिस तरह से पेरेंट्स हमें कॉपरेट करते आए हैं, भविष्य में भी मैं उम्मीद करूँगा कि ये इस तरह से कॉपरेट करते रहेंगे और इससे भी अधिक के कॉपरेट करेंगे और हम हमारे जो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बच्चों के, हम इससे भी अधिक और अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे। सर, आज बच्चों ने कई प्रस्तुतियाँ दी, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने एनुअल फंक्शन के लिए इतना बेस्ट लिया, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी, तो अब आप लोग आगे आपके एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप इसी तरह से इससे भी मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि आप इससे भी अधिक बेस्ट देने की कोशिश करेंगे अपने एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे अंकों और रंकों के साथ लोग आप लोग आगे आए, और ताकि इससे आपके इलाके को भी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी और आपके स्कूल को भी खुशी होगी। सर, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? जो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का ये युग और शिक्षा का युग तो है लेकिन बहुत ही कंपटीशन का युग है। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? जो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का ये युग और शिक्षा का युग तो है लेकिन बहुत ही कंपटीशन का युग है। हमने बच्चों को ना केवल पास के लिए ही तैयार करना है, ना केवल अच्छे अंकों के लिए तैयार करना है, बल्कि हमने इनको कंपटीशन के लिए भी तैयार करना है, ताकि बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार हो सके और इसमें भाग ले करके अपना अच्छी पोजीशन, एक अपना अच्छा कैरियर ये बना सके। सर, एडमिशन होने वाली है, अभी आपका नया साल आ रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया, संस्था के ऊपर विश्वास किया, और ये ट्विंकल स्टार पब्लिक स्कूल भी पिछले 28 वर्षों से अपने इस एरिया में काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत से अच्छी सीट्स पे बच्चे जो है वो स्कूल के स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में भी आप लोग ना केवल उस स्कूल के ऊपर विश्वास कीजिए, बल्कि आप अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में एडमिट करवाएं, ताकि हम जितने हमारे पास स्कूल स्ट्रेंथन होगा, हमारे पास जितने अधिक बच्चे आएंगे, उसके हमारे पास उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा और हम और भी उसमें से अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप स्कूल विजिट कीजिए और स्कूल में आइए और आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाइए। नया साल शुरू होने वाला है, उसमें मैं ये उम्मीद जताऊंगा कि आप अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएंगे अपने बच्चों की एडमिशन के लिए, और मैं नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। क्या है आपके स्कूल में, क्या क्या सुविधाएं रहती हैं जो आपको आपके स्कूल को अलग बना रही हैं बाकी स्कूलों से? क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी सुविधा हमारे स्कूल के लोगों के लिए है कि हमारा स्कूल का टीचिंग फैकल्टी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है,
यंग है, एनर्जेटिक है, सारे टीचर्स टैट क्वालिफाइड है और बहुत मेहनती हैं। इसके अलावा स्कूल में हर प्रकार की वो सभी आधुनिक सुविधाएं हैं जो कि आज के एक मॉडर्न स्टूडेंट को चाहिए। तो जैसे कि साइंस लैब, म्यूजिक लैब, कंप्यूटर लैब, बच्चों के लिए बैठने का प्रावधान, बच्चों के लिए खेलने का प्रावधान, ये सारी सुविधाएं, बच्चों के लिए आने जाने का प्रावधान, ये सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हम लोग अच्छे से बच्चों को कवर करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं एम के सोनी और आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज हिमाचल। आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में, जहाँ पे आज हम पहुँचे हैं ट्विंकल स्टार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे हम बातचीत करेंगे। एक इनका जो है वो एनुअल फंक्शन है, जिसमें हम बातचीत करेंगे बच्चों से और जानेंगे कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सीखने को मिलता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल की एक छात्रा तन्वी शर्मा। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको मिला और आज क्या परफॉर्म किया स्कूल में? तो आपको लगता नहीं कि जैसे आप आज परफॉर्म कर रहे थे, तो और भी बच्चे चाहते हैं परफॉर्म करने लेकिन कर नहीं पाते, कुछ झिझकते हैं बच्चे, तो उनको उनके लिए क्या संदेश है? डर तो नहीं लगता है? तो डरना नहीं चाहिए, अगर कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। तो ये थी हमारे साथ तन्वी शर्मा, जिसने बताया कि कोई भी परफॉर्म करने से कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, लेकिन वो आसान भी होती है, क्योंकि अगर आप जब तक आप करोगे नहीं तब तक उसका आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। इससे जानेंगे कि क्या आज क्या स्कूल में इन्होंने किया और कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज स्कूल में? आपने क्या परफॉर्म किया? कैसा महसूस कर रहे हैं स्कूल में आपने? स्कूल का प्रबंधन कैसा है? अभी हमारे साथ स्कूल के बहुत सारे छात्र हैं जो परफॉर्म करके अभी अभी स्टेज से आए हैं, तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया और किस तरह का ये महसूस कर रहे हैं स्कूल में। जी, कैसा परफॉर्म, क्या परफॉर्म किया? नाटी परफॉर्म किया। कौन सी नाटी? कैसा महसूस कर रहे हैं सभी बच्चे? बहुत अच्छा। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्कूल कैसा है आपका? और आज स्कूल के अपने स्कूल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे और बच्चों को? जैसे और बच्चे होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देश में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने माध्यम से? आपको क्या बताना, क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा है और सभी और कोई संदेश देना चाहोगे? आप भी स्कूल में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूलों से अलग है? आपका स्कूल जो है वो बहुत अच्छा है। और आप कहाँ से आते हैं, कितने दूर से आते हैं? कितने दूर है? 5-6 किलोमीटर से। और कुछ कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, कि कैसे टीचर हैं आपके, क्या कैसा पढ़ाते हैं आपको? आप कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
कोई आपका फेवरेट टीचर जिसका नाम है? मोहित मैम।